अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास सेकंड ईयर, आज हम एक्सरसाइज स्टार्टिंग करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, वो कह रहा है एवलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। अब लिमिट क्लास हमें पता है, लिमिट क्या होती है कि हमें चीज़ मखसूस कर दी जाती है कि चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक है। लिमिट में हमारे पास ये चीज़ आती है। अब इसने हमें क्वेश्चन दिए हैं, वो कह रहा है इन्हें सोल्व करें लिमिट्स के थ्योरम को यूज़ करते हुए, जो हमें लिमिट्स गिवन है। लिमिट्स के थ्योरम कुछ इस तरह हैं कि अगर हमारे पास लिमिट कोई भी हो और अप्रोच कर रही हो, लेट्स सपोज किसी भी चीज़ को, और हमारे पास दो फंक्शन हो जो कि आपस में ऐड हो रहे हों, कोई लिमिट हो जिसमें दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हों, और जब हम इन पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अलग अलग लिमिट अप्लाई की x अप्रोचेस टू a, एक बार f फंक्शन ऑफ x अलग, और एक बार लिमिट अप्लाई की हमने x अप्रोचेस टू a नेक्स्ट फंक्शन पर अलग, तो इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा। और जब ये माइनस हो जाएगा, और फिर जब हम इनकी लिमिट्स को अलग अलग माइनस करेंगे तब भी सेम आएगा। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ b के साथ, और जब हम इनको अलग अलग लिमिट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज लिमिट एफ ऑफ x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ b, मतलब एक बार इकट्ठे में दिया होगा और जब उनको अलग अलग में करेंगे दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। और जब भी हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट आएगा तो वो कॉन्स्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती है, हम कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लेंगे, लिमिट से बाहर, लिमिट्स के बाहर वाली साइड पे, क्योंकि लिमिट्स हमेशा वेरिएबल की होती है जो अप्रोच कर रहा होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, वो कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू 2x प्लस 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देंगे, बल्कि पहले हम लिमिट को ओपन करते हैं, लिमिट x रेशो 3, जब इसको 1 फर्स्ट वाली के साथ करेंगे तो 2x प्लस, जब सेकेंड के साथ लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस 3 इंटू 4। अब वेरिएबल इसके साथ तो पाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ नहीं पाया जा रहा, इसकी लिमिट नहीं आएगी लेकिन इसकी लिमिट आ जाएगी। अब हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3, तब हम लिमिट 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस, यहाँ पे लिमिट नहीं अप्लाई होगी तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट। तो 3 2 6 प्लस 4 इसकी इक्वल आया 6 and 4 10 के, इस पर जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारा इज इक्वल टू आया 10 के। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है हमारा, इसका पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। और अब क्या करेंगे, लिमिट के पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सब के साथ, ये 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर वाली साइड पे लिख देते हैं, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू x का स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर वेरिएबल है तो वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। फिर माइनस है 2, फिर कॉन्स्टेंट है, बाहर वाली साइड पे लिखेंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई कर देंगे x के ऊपर, प्लस लिमिट नेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की हमने, नेक्स्ट अकेला कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अब हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू है 1 के, जी 1 के, तो क्या आएगा, 3 इंटू लिमिट अप्लाई की x की 1 उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की 1 प्लस 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 वन ज़ार 3 माइनस 2 वन ज़ार 2 प्लस 4, तो 4 एंड 3 7, 7 में से माइनस 2 किए तो 5, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 5। नेक्स्ट हम लिमिट अप्लाई करते हैं पार्ट 3 पे, पार्ट 3 है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अंडर रूट
एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस फोर। ओके क्लास, अब क्या करेंगे, पहले हम लिमिट को अंदर ओपन करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर और होल की पावर हमारे पास क्या है, वन बाय टू। अंडर रूट को हम वन बाय टू लिख सकते हैं। अब लिमिट को अंदर ओपन करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एक्स प्लस कॉन्स्टेंट की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री फोर और होल की पावर हमारे पास क्या है, वन बाय टू। अब हम लिमिट करते हैं अप्लाई, अप्लाई लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू थ्री। तो लिमिट अप्लाई की, एक्स की जगह उसकी लिमिट आई थ्री उसका स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की जगह उसकी लिमिट आई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट एज इट इज़, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस थ्री प्लस फोर, नाइन एंड थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, सिक्सटीन। और सिक्सटीन की क्लास हमारे पास पावर क्या है, वन बाय टू। होल की पावर हमारे पास क्या है, वन बाय टू। अब हमें पता है अगर हम फोर का स्क्वायर लें तो हमारे पास सिक्सटीन हो जाता है, उसकी होल की पावर क्या है, वन बाय टू। तो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर की पावर टू मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू, टू टू से क्रॉस, तो फोर की वन रह गई, फोर की वन किसकी इक्वल होती है, फोर के ही, तो ये हमारा इक्वल टू आ गया फोर के। नेक्स्ट के थ्री पार्ट्स हैं वो अब वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं। पार्ट फोर है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस फोर। ओके क्लास, सबसे पहले क्या करना है, लिमिट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस फोर की पावर